सो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर कंपेयर करने वाला हूँ दो नए स्मार्टफोन को। यहाँ पर जो सबसे पहला स्मार्टफोन है वो है यहाँ पर Redmi का 8A जो कि कल यहाँ पर लॉन्च किया गया है, और बात करता हूँ अगले स्मार्टफोन की जो कि है यहाँ पर Vivo का U10। अगर बात करता हूँ यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस की, तो यहाँ पर जो Redmi का 8A है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 6,499 रुपये के आसपास की प्राइस में यहाँ पर लॉन्च किया गया है। वहीं पर मैं बात करता हूँ Vivo के U10 की, तो ये जो स्मार्टफोन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर 8,999 रुपए की प्राइस में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब देखना यह है कि इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्टफोन में आपको सबसे कम प्राइस में यहाँ पर ज्यादा फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, और कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए यहाँ पर बेस्ट होगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, उसके बाद बताऊंगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपको यहाँ पर लेना चाहिए। बात करता हूँ फ्रंट साइड की, बात करता हूँ डिस्प्ले की। तो यहाँ पर जो Vivo का U10 है इसमें आपको 6.35 इंचेस का HD+ वाला जो वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ये जो डिस्प्ले है वो एक IPS LCD डिस्प्ले है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ Redmi के 8A की, तो यहाँ पर आपको 6.22 इंचेस का HD+ सेम वही IPS LCD डिस्प्ले विथ वाटर ड्रॉप नॉच यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पर Redmi के 8A में आपको यहाँ पर Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। बात करता हूँ अगर मैं यहाँ पर प्रोसेसर की, तो यहाँ पर बात करता हूँ Redmi के 8A की, तो यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 439 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर आपको 2GB RAM और 32GB इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग प्राइस से देखने के लिए मिल जाती है। बात करता हूँ Vivo के U10 की, तो यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 665 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर आपको 3GB RAM और 32GB इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। और ये जो प्रोसेसर है Vivo के U10 का वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है यहाँ पर Redmi के 8A के। बात करता हूँ अगर मैं यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो यहाँ पर जो इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 5,000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, और दोनों ही स्मार्टफोन में यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, यानी 18W का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बात करता हूँ कैमरे की, तो यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन में आपको फ्रंट में जो कैमरा दिया गया है वो 8-8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। बात करता हूँ बैक कैमरे की, तो यहाँ पर जो Redmi का 8A है इसमें आपको सिंगल कैमरा 12 मेगापिक्सल का पीछे की साइड देखने के लिए मिल जाता है। मैं बात करता हूँ Vivo के U10 की, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने के लिए मिलता है। एक जो कैमरा दिया गया है वो है 13 मेगापिक्सल का, प्लस एक और कैमरा यहाँ पर दिया गया है जो कि है 8 मेगापिक्सल का, प्लस एक और कैमरा यहाँ पर दिया गया है जो कि है 2 मेगापिक्सल। और यहाँ पर Vivo के U10 में आपको पीछे की साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने के लिए मिल जाता है, और Redmi के 8A में कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ फीचर्स यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन के। अब बात कर लेते हैं कौन सा स्मार्टफोन आपके यहाँ पर बेस्ट होगा। तो यहाँ पर जो Vivo का U10 है वो एक काफी ज्यादा फास्ट स्मार्टफोन यहाँ पर निकल कर कहता है, सिर्फ और सिर्फ लगभग यहाँ पर 2,000 से 2,500 रुपए की प्राइस डिफरेंस में, और यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, कैमरा क्वालिटी एक अच्छी मिल जाती है, एक फास्ट प्रोसेसर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो ये जो Vivo का U10 है वो काफी अच्छा यहाँ पर स्मार्टफोन निकल कर कहता है। मैं बात करता हूँ Redmi के 8A की, तो ये भी अपने प्राइस रेंज में काफी अच्छा स्मार्टफोन यहाँ पर है। यहाँ पर आपको USB टाइप सी पोर्ट मिलता है, 5,000 mAh की बैटरी मिलती है, फास्ट चार्जिंग सबका सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है, लेकिन प्रोसेसर के मामले में ये जो स्मार्टफोन है वो थोड़ा सा वीक यहाँ पर हो जाता है, साथ में कैमरे के मामले में थोड़ा सा वीक यहाँ पर हो जाता है। तो प्राइस के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन बेस्ट हैं, आप अपने नीड के हिसाब से जो स्मार्टफोन चाहें आप यहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों, ये था कुछ इस वीडियो में, आशा करता हूँ छोटी जानकारी पसंद में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।